हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इससे पहले मैं 4 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुकी हूँ। दोस्तों, कुल 14 प्रैक्टिस सेट है। एग्जाम में जाने से पहले 14 की 14 प्रैक्टिस सेट मैं अपलोड कर दूंगी। एंड दोस्तों, इससे पहले मैं हर एक टॉपिक का चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस आपका प्रैक्टिस करा चुकी हूँ। एंड दोस्तों, जैसा कि अब आपके लिए थोड़ा टाइम नहीं है BPSC और EMRS दोनों के लिए, अदरवाइज ऑल फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सिलेबस सेम होता है, एक दो टॉपिक का हेर फेर होता है। सभी के लिए मेरे चैनल पे सभी प्रकार की वीडियोज अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। 125 क्वेश्चन सभी प्रैक्टिस सेट में हैं। तो दोस्तों, समझ सकते हैं कम से कम 7-8 हज़ार क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वीडियो पूरा देखिएगा। एंड एक एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन आएगा ये कोई नहीं जानता है। आपको प्रैक्टिस जितना रहेगा आप उतना ही अनुमान लगा पाएंगे। अच्छा, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, ओलंपिया शहर विश्व के किस देश में स्थित है। तो आप सबको पता है कि प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था और 394 ईस्वी तक चला था। तो प्राचीन ओलंपिक खेल भी शुरू हुआ था 776 ईसा पूर्व ग्रीस के एथेंस शहर में ओलंपिया नामक स्थान पर, और आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 ईस्वी में भी एथेंस के ओलंपिया नामक शहर में पेनाथोनिक स्टेडियम में शुरू हुआ था। तो ओलंपिया शहर विश्व के किस देश में स्थित है, तो वह ग्रीस यानी कि यूनान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बाल एंड साकेट जोड़ के चारों ओर मूवमेंट होता है। तो दोस्तों, बाल एंड साकेट जोड़ के अंतर्गत हमारा कंधा और हिप आता है। इसमें फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन, सर्कमडक्शन, हाइपर एक्सटेंशन, ये सभी गतियां होती हैं। इसको हम 360 अंश तक घुमा सकते हैं, इसलिए सभी प्रकार की गतियां इसमें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्प्रेन में इनमें से कौन प्रभावित होता है। तो जैसा कि मैं बताई हूँ, स्प्रेन और स्ट्रेन दोनों सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हैं। स्प्रेन जो होता है लिगामेंट के अधिक खिंच जाने से होता है यानी मोच, और स्ट्रेन जो खिंचाव होता है मांसपेशी और टेंडन के खिंचने से होता है। तो स्प्रेन जो लिगामेंट होता है दो हड्डियों को जोड़ों पर जोड़ता है, और जो टेंडन होता है कंकाल मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। तो स्प्रेन यानी कि मोच जो है जोड़ और लिगामेंट, इसमें राइट होगा। जोड़ और लिगामेंट 1 और 4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी यहां पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, कि इनमें से किसे कौशल सीखने की ऋण समझा जाता है। तो आपको पता ही है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अभ्यास ही इंसान को पूर्ण बनाता है। तो किसी भी चीज को सीखने का ऋण समझा जाता है अभ्यास यानी प्रैक्टिस को। क्वेश्चन नंबर 5 है, मांसपेशियों की उस प्रकार को बताइए जो शरीर के गति करते समय सिकुड़ती है। तो दोस्तों, जो एक होता है प्राइम मूवर जिसे हम एगोनिस्ट कहते हैं, एक होता है एंटागोनिस्ट प्रतिस्पर्धी। जब हम कोई कार्य करते हैं तो कार्य करते समय जो गति करती है उसे कहते हैं एगोनिस्ट। ठीक है, क्या कहते हैं, एगोनिस्ट, यानी कि मांसपेशियों की गति में जो मुख्य भूमिका निभाती है उसे एगोनिस्ट कहते हैं, और जो उसके विपरीत भूमिका निभाती है उसको एंटागोनिस्ट कहते हैं। जैसे आप अपना हाथ को मोड़ते हैं, फ्लेक्शन करते हैं, तो उस कंडीशन में मुख्य भूमिका मोड़ने में कौन निभा रहा है, बाइसेप्स मसल्स। यानी कि जब हम मोड़ रहे हैं तो मुख्य भूमिका अदा कर रहा है बाइसेप्स मसल, यानी बाइसेप्स मसल हमारा क्या हुआ, एगोनिस्ट हुआ। और उसके विपरीत अगर भूमिका निभा रहा है ट्राइसेप्स, तो वो क्या हो गया, एंटागोनिस्ट हो गया। उसके विपरीत जब हम इसको एक्सटेंशन करेंगे, विस्तार करेंगे, तो विस्तार करते समय मुख्य भूमिका ट्राइसेप्स निभा रहा है, यानी कि यहाँ पे ट्राइसेप्स एगोनिस्ट हो गया, और विपरीत भूमिका निभा रहा है बाइसेप्स, यानी बाइसेप्स यहाँ पे एंटागोनिस्ट हो गया। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे क्या है, मांसपेशियों के उस प्रकार को बताइए जो गति शरीर की गति करते समय सिकुड़ती है, तो उसे हम कहते हैं एगोनिस्ट। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, शारीरिक दक्षता क्षमता है। तो शारीरिक यानी फिजिकल फिटनेस क्षमता क्या है। तो क्या कहा गया है कि
फिजिकल फिटनेस इज डेली रूटीन वर्क विदाउट एनी फटीग, यानी कि डेली के कार्य को बिना थकावट के पूरा करना और आपको अचानक कोई विपत्ति आ जाए तो उसका भी सामना करने के लिए अतिरिक्त एनर्जी बचा रहे, उसी को कहते हैं फिजिकल फिटनेस, शारीरिक दक्षता। तो जो डेली रूटीन वर्क है बिना थकान के आप पूरा करते हैं उसे कहते हैं फिजिकल फिटनेस। राइट आंसर होगा आपका दैनिक कार्य करने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किस खेल में विजेता को भारत केसरी की उपाधि दी जाती है? तो दोस्तों कुश्ती खिलाड़ी के विजेता को भारत केसरी की उपाधि दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें किसी भी प्रबंधन का मुख्य बिंदु कहा जाता है? दोस्तों किसी भी मैनेजमेंट यानी प्रबंधन का मुख्य बिंदु होता है सभी में आपसी सहयोग और विश्वास, सभी में आपसी सहयोग और विश्वास। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण खेल विकास कार्यक्रम की वास्तविक शुरुआत कब हुई? तो इसका वास्तविक शुरुआत हुआ 1970-71 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वस्थता के 5 घटक हैं शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य एंड आध्यात्मिक स्वास्थ्य और सामाजिक व स्वस्थ वातावरण। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे आपको अभिकथन दिया गया है, ठीक है, अभिकथन ए और बी दिया गया है, यहाँ पे आपको पढ़ना है। तो दोस्तों अभिकथन ए है कि, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको ऊपर स्लेप करते हैं, यहाँ पे अभिकथन ए हो जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 है तो आपकी स्क्रीन पर दिखाई देता होगा। तो दोस्तों अभिकथन ए है कि मुड़ने के दौरान टखने पर सूजन आने पर चोटिल भाग को ऊपर उठाने से सूजन पर नियंत्रण पाया जा सकता है। बात सही है। तर्क आर क्या कहता है कि चोटिल भाग को हृदय के स्तर से ऊपर उठाने पर रक्त एवं तरल पदार्थ का निकास रक्त द्वारा चोटिल भाग से किया जा सकता है। तो दोनों राइट है, तो यहाँ पे ए और आर सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। एंड क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि निरीक्षण समझा जाता है तो टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन। तो निरीक्षण जो होता है, इवोल्यूशन होता है, सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं फिर उसका मेजरमेंट करते हैं। तो निरीक्षण एक प्रकार हमको क्या करता है, सक्षम अवलोकन करने की अनुभूति होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जंपिंग जैक में हाथ को बगल में उठाना क्या कहलाता है? तो दोस्तों जंपिंग जैक में हाथ को बगल में उठाना क्या कहलाएगा? ये वाला पोजीशन क्या है दोस्तों? ये पोजीशन है आपका हाथ को बगल में उठाना, यानी कि मध्य रेखा से दूर जा रहा है, एब्डक्शन हुआ। अगर नजदीक आएगा वापस तो उसे एडक्शन बोला जाएगा। तो यहां पर राइट आंसर होगा एब्डक्शन। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रकृतिवाद आधारित है। तो दोस्तों प्रकृतिवाद प्रकृति पर आधारित है, इससे प्रकृतिवाद के प्रवर्तक हैं रूसो। क्वेश्चन नंबर 15 है, बच्चों की शारीरिक वृद्धि बहुत तीव्र गति से होती है तो 3 वर्ष की आयु तक देखते हैं आप बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, उसके बाद धीमी गति से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, जॉर्ज विलियम ने किस वर्ष YMCA की स्थापना की? तो दोस्तों YMCA के बारे में 2-3 चीजें आपको याद रखना है। तो जॉर्ज विलियम ने YMCA की स्थापना कब की थी? तो जॉर्ज विलियम ने 6 जून 1844 को लंदन में YMCA की स्थापना की थी। उसके बाद अमेरिका में 1883 में स्प्रिंगफील्ड में YMCA प्रशिक्षण की शुरुआत हुई। उसके बाद SC बक ने अमेरिका से आए और भारत में 1920 मद्रास चेन्नई में
YMCA की स्थापना की, इसलिए और प्रथम अध्यक्ष भी बने। और एससी बक, हेनरी क्रूबक को भारत में शारीरिक शिक्षा का पितामह भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, उपलब्धि प्रेरणा किससे संबंधित है? तो दोस्तों, उपलब्धि प्रेरणा जो है वह व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। एंड क्वेश्चन नंबर 18 है, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो आपको पता है कि ऑक्सीजन को आकर्षित करना और इसको ले जाना, कोशिकाओं तक ले जाता है, फिर कोशिकाओं में ऑक्सी शोषण होता है, जिसे ग्लूकोज का जारण से एटीपी का निर्माण होता है माइटोकांड्रिया में। एंड क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित शरीर क्रिया कारकों में किससे खेल की क्षमता बहुत हद तक अवधारित है? तो दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता से जो आपका खेल क्षमता है वो आपकी इम्प्रूव होगा, इनहेंस होगा। तो यहाँ पे सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, खो खो में डाइविंग के समय बेहतरीन टाइमिंग और गति के साथ आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, एक बहुत ही तीव्र गति वाला एंड एजिलिटी वाला खेल है, और इसमें डाइविंग के समय बेहतरीन टाइमिंग और गति के साथ आवश्यकता होती है अचूकता यानी एक्यूरेसी की, अचूकता यानी कि एक्यूरेसी की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस रोग को लॉग जॉ भी कहा जाता है? तो दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर होगा लॉग जॉ बोला जाता है टिटनेस को, इसको धनुष्टंकार और लॉग जॉ दोनों बोला जाता है, डिप्लोकोकस टिटनी से फैलता है। क्वेश्चन नंबर बैक्टीरिया से फैलता है टिटनेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, रेडियो अल्ना अस्थि कहाँ स्थित है? तो रेडियो अल्ना जो अस्थि है वो फोर आर्म में स्थित है, हमारे अंगूठे से लेकर कोहनी तक जाने वाली हड्डी को रेडियो रेडियस कहते हैं, और छोटी उंगली से लेकर कोहनी तक जाने वाली हड्डी को कहते हैं अल्ना, और दोनों को सम्मिलित रूप से रेडियो अल्ना बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सर्प काटने के तुरंत बाद क्या करना चाहिए? तुरंत बाद हम सबसे पहले क्रेप बैंडेज का प्रयोग करते हैं, उसके बाद उस जगह को काट के चूसण करते हैं, तो पहला स्थान पर क्रेप बैंडेज का प्रयोग ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विश्राम अवस्था में हृदय गति होती है, तो यहाँ हृदय गति हार्ट रेट की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे कार्डियक आउटपुट की बात कर रहा है, तो क्वेश्चन गलत है पूछा गया है, लेकिन इसका विश्राम अवस्था में हृदय गति आप जान ही रहे हैं कि आपकी हार्ट रेट 72 होता है, तो यहाँ पे हार्ट रेट नहीं पूछा है, कार्डियक आउटपुट पूछा है कि एक मिनट में जितना रक्त हृदय शरीर की तरफ पंप करता है उसकी मात्रा को कार्डियक आउटपुट कहते हैं, जिसका निकालने का सूत्र होता है स्ट्रोक वॉल्यूम गुणे हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? एक धड़कन में हृदय जितना रक्त को पंप करता है उसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, जिसका मान होता है 70 ml, और 70 ml प्लस एक मिनट में कितना हार्ट रेट होता है 72, दोनों का गुणा करेंगे तो 5040 ml आएगा, यानी कि 5.04 liter प्रति मिनट आपका कार्डियक आउटपुट होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 25 है, स्केपुला अस्थि कहाँ स्थित है? तो स्केपुला अस्थि जो हमारे कंधे की हड्डी होती है वह हमारा अपर बैक यानी कि ऊपर पीछे आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, हिंज संधि है, हिंज ज्वाइन जिसे कोर संधि भी कहते हैं, कब्जा संधि भी कहते हैं, एक तल में गति होता है, जैसे दरवाजा एक ही तरफ खुलता है उसी तरह ये भी एक तल में गति होता है, इसे हम सचल संधि यानी कि चल संधि के अंतर्गत आता है, और हिंज संधि में आपका हमारी जो कोहनी है, घुटना है, उंगलियां है और जबड़े का जोड़, ये सभी हिंज संधि के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, सीखना किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों, सीखना जो है वो परिपक्वता यानी मैच्योरिटी पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस भारतीय को सर्वप्रथम विंबलडन पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो रमेश कृष्णन को।
रमेश कृष्णन को जूनियर विंबलडन टाइटल 1979 जीता था। इन्होंने 1979 में फ्रेंच ओपन जूनियर टाइटल भी जीते थे। एन कृष्णन को 1998 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे कहीं एक जगह दिया था रामनाथन कृष्णन, यहाँ पे दिया हुआ है रमेश कृष्णन, तो यहाँ पे कंफ्यूजन है, इसका डाउट मैं अगले वीडियो में क्लियर करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने प्रतिशत जल होता है? आप सबको पता है 60-80% होता है, तो अक्सर माना जाता है 70%। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से किस शहर में राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण संस्थान नहीं है? तो यहाँ पे कोलकाता में जो है नेताजी सुभाष पूर्वी केंद्र स्थित है, बंगलुरु में नेताजी सुभाष दक्षिणी केंद्र स्थित है, जबकि पटियाला में वो संस्था ये है, यानी RSNIS पटियाला की स्थापना हुआ है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण संस्थान, जिसका स्थापना 7 मई 1961 को हुआ था, वो अवस्थित है। पटना में कोई भी राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण संस्थान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से किस स्थान पर प्राचीन ग्लेडिएटर मुकाबला आयोजित होता था? तो किस स्थान पर होता था? रोम में, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि एंथ्रोपोमेट्रिक मापन को अत्यधिक सही और विश्वसनीय बनाने के लिए कम से कम कितनी बार मापन आवश्यक होता है? तो कम से कम 2 बार मापन आवश्यक होता है। एंथ्रोपोमेट्रिक मापन, जैसे मानव मिति मापन बोला जाता है, इसमें ऊंचाई, वजन, छाती, सिर और की परिधि के आधार पर व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का विकास किसके तहत होता है? तो शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का विकास आदर्शवाद यानी आइडियलिज्म के तहत होता है, जिसके प्रवर्तक प्लेटो हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, शरीर में विटामिन और मिनरल का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों ये रोगों से रक्षा करता है, और विटामिन से जो होता है, जो भी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा आप खाते हैं उसके अच्छे से पचाने में मदद करता है, यानी उपापचय क्रिया में मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। तो जो शरीर में विटामिन और मिनरल्स का मुख्य कार्य है, साधारण वृद्धि, विकास और उपापचय को प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, पाठशाला में शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों को ख्याति प्रदान करने वाला मुख्य उपागम है, तो वह है अंतः पाठशाला क्रीड़ा स्पर्धाएं। क्वेश्चन नंबर 36 है, इसमें से किस संस्था का प्रतिवर्ष अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता कराने का उत्तरदायित्व होता है? वह होता है अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संगठन का, खेल प्रकोष्ठ का। क्वेश्चन नंबर 37 है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो आप सबको पता है 1985 में प्रारंभ हुआ था, यह प्रशिक्षण देने वाले व्यक्ति को यानी प्रशिक्षक को यानी कोचों को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि किस रोग से शरीर के अंग सूजकर मोटे हो जाते हैं? तो वह रोग होता है फाइलेरिया, जो मनुष्य की लिम्फ ग्रंथियों में पहुंच जाता है। इसमें जो एक कृमि होता है, कीड़ा होता है, जिसे कहते हैं, इसका कारक होता है बहुचेरिया बैक्रोप्टाई कृमि है, जो मनुष्य के लिम्फ यानी लसिका ग्रंथियों में पहुंच जाता है, जिसके कारण अंग सूजकर बहुत मोटे हो जाते हैं, विशेषकर पैर, पांव और लार ग्रंथियां इससे ज्यादा प्रभावित होती हैं, जिसे हाथी पांव भी बोला जाता है, और इसके शुरुआत में तेज बुखार आपका लक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि रक्त में यूरिया की वृद्धि किस अंग के विकार से होता है? तो दोस्तों गुर्दा यानी कि किडनी के खराब हो जाने से रक्त में यूरिया की वृद्धि हो जाती है। एंड क्वेश्चन नंबर 40 है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? तो यह 1991-92 में शुरू हुआ था, जो
भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है, खेल पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन 2019 में इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, खो खो में एक पारी की समयावधि कितनी होती है? तो दोस्तों दो इनिंग्स होता है, प्रत्येक इनिंग्स में दो पारियां होती हैं और प्रत्येक पारी 9-9 मिनट का होता है, यानी कि 9-3-9 एक इनिंग्स हो गया, फिर 6 मिनट का आपका गैप मध्यांतर होगा, फिर 9-3-9 का होगा, ठीक है, यानी कि 4 क्वार्टर्स इसमें हो गए। तो 9 एक पारी के बाद 3 मिनट का रेस्ट दिया जाएगा, फिर एक पारी 9 होगा, उसके बाद 6 मिनट का आपका मध्यांतर होगा, फिर आपका दूसरा इनिंग 9-3-9 होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, लंबी दौड़ में प्रतिदिन एथलीट को कितनी कैलोरी मिलनी चाहिए? तो लंबी दौड़ की बात करें तो 5000 से 5500 कैलोरी प्रतिदिन एथलीट को चाहिए होता है, और साधारण स्थिति में 2500 से 3000 कैलोरी चाहिए होता है सामान्य अवस्था में। एंड क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया था? तो वह विश्वनाथन आनंद को प्रदान किया गया था प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 44 है, ओलंपिक खेलों में महिलाओं की प्रतियोगिता को स्वीकार किया गया था? तो दोस्तों ओलंपिक खेलों में महिलाओं की प्रतियोगिता को 1900 पेरिस फ्रांस में स्वीकार किया गया था। और भारत ने सर्वप्रथम कब भाग लिया ओलंपिक में? तो 1900 पेरिस फ्रांस में ही जो जेम्स प्रिंसेप था एंग्लो इंडियन नागरिक ने भाग लिया था। और जब कहेगा भारत ने आधिकारिक तौर पर कब भाग लिया, तो 1928 एमस्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में भाग लिया था, ये दोनों चीजें याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 45 है, वॉलीबॉल में लिबरो खिलाड़ी क्या नहीं कर सकता? तो दोस्तों वो ब्लॉकिंग भी नहीं कर सकता, कप्तानी भी नहीं कर सकता, सर्विस भी नहीं कर सकता, उपरोक्त सभी नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 46 है, मानव के मोटापे का मुख्य कारण क्या है? जब शरीर में वसीय उत्तक यानी फैटी टिश्यू जब वृद्धि हो जाती है तो मोटापा में वृद्धि होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 47 है, बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो दोस्तों 44x20 फीट होता है बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई चौड़ाई, ये डबल्स के लिए, और सिंगल्स के लिए 44x17 फीट होता है। क्वेश्चन नंबर 48 कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 48 है, किस यंत्र द्वारा शक्ति का मापन किया जाता है? तो डायनेमोमीटर के द्वारा, एनगोनियोमीटर के द्वारा जोड़ों के कोण मापा जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 49 है, कठिनाई की डिग्री निम्न में से किससे संबंध है? दोस्तों इसका संबंध तैराकी एंड डाइविंग होगा, दोनों से है, तो यहाँ पे दोनों आपका हो जाएगा, यहाँ पे कन्फ्यूजन है, यहाँ पे तैराकी डाइविंग दोनों होगा, जिसको सही मानेगा तो ज़्यादातर तैराकी को मान रहा है, तो यहाँ पे आयोग जो सही मानेगा वही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से एंटीना किसका भाग है? तो आप सबको पता है वॉलीबॉल में वॉलीबॉल का भाग है, जिसमें से एक 80 जो है 1.8080 जो मीटर का वो होता है आपका 180 सेंटीमीटर का एंटीना होता है, जो 1 मीटर आपका जाली में होता है और 80 सेंटीमीटर ऊपर होता है, जिसमें 10 सेंटीमीटर लाल और 10 सेंटीमीटर सफ़ेद आपका रंगा होता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, प्रथम विश्व कप फुटबॉल कहाँ आयोजित किया गया था? तो प्रथम विश्व कप फुटबॉल उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो में आयोजित किया गया था और 13 जुलाई 1930 को, और 22वां फीफा वर्ल्ड कप पुरुष का 2022 में दोहा कतर में हुआ है, जिसका विजेता है अर्जेंटीना, ये भी याद रखिएगा। और 23वां 2026 में संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा में होगा, 3 देशों में। क्वेश्चन नंबर 52 है, अंतराल प्रशिक्षण यानी इंटरवल ट्रेनिंग मेथड का प्रतिपादन किसने किया था? तो गर्चरल विकिला ने किया था
1920 में आसन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा, अंतराल प्रशिक्षण यानी कि इंटरवल ट्रेनिंग मेथड स्पीड एंड्योरेंस को विकसित करता है। एंड क्वेश्चन नंबर 53 है, वह कौन सा देश है जिसने विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट को 2 बार मेजबानी की है? राइट आंसर है फ्रांस और जर्मनी। जैसा कि विश्व के 5 देशों जैसे कि ब्राजील 2 बार 1950-1914 में मेजबानी की, जर्मनी 1974-2006 में मेजबानी किया, फ्रांस 1938-1998 में, इटली 1934-1990 में और मेक्सिको 1970-1986 में मेजबानी किया। क्वेश्चन नंबर 54 है, किस टीम ने एक मैच में अपने विपक्षी टीम के विरुद्ध हॉकी के इतिहास में सबसे अधिक गोल दागे थे? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर पाकिस्तान दिया हुआ है, यानी कि पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी के इतिहास में मकाऊ को 58-0 से 1989 में हराया था और भारत ने 1932 में ओलंपिक में अमेरिका को 24-1 से हराया था। यानी कि ओलंपिक में बात करेगा तो भारत होगा सबसे ज़्यादा गोल दागने वाला, अगर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में कहेगा तो पाकिस्तान रहेगा राइट। ओलंपिक में हॉकी कब शामिल किया गया? तो ओलंपिक में हॉकी कब शामिल किया गया दोस्तों? तो हॉकी जो है ओलंपिक में 1908 लंदन ओलंपिक में शामिल किया गया। कब किया गया? 1908 लंदन ओलंपिक में शामिल किया गया। और महिलाओं को 1980 मास्को ओलंपिक में, याद रखिएगा। और भारत ने कब हॉकी में, भारत ने ओलंपिक में हॉकी में कब भाग लिया था? तो 1928 एमस्टरडम हॉलैंड ओलंपिक में, ये तीनों चीजें याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 56 है कि एशियाई खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया था? तो 1951 नई दिल्ली में। कब गेम ओलंपिक में कब शामिल किया गया था, इसमें से एक क्वेश्चन अवश्य रहता है, इसे इसको याद रखे रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, एक विकृति दूसरी विकृति के विकास का कारण होती है, अतः नाकनी यानी घुटने जुड़ने का कारण क्या होता है? तो घुटने टकराने को हम नॉकनी यानी कि जेनू वलगम कहते हैं, जिसका कारण होता है फ्लैट फुट यानी चपटा तलवा। एंड क्वेश्चन नंबर 58 है कि मांसपेशियों के टीशू में कितने परसेंट जल पाया जाता है? तो मांसपेशियों के टीशू में 75% जल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, जब मांसपेशी कमजोर छोटी और शक्ति में कम हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉफी। और जब नियमित व्यायाम से मांसपेशी की शक्ति लंबाई सब में वृद्धि होती है तो उसे हम कहते हैं हाइपरट्रॉफी। क्वेश्चन नंबर 60 है, मालिश का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों त्वचा पर भी, तंत्रिका तंत्र पर भी, रक्त परिसंचरण तंत्र पर भी, सभी पर अच्छा प्रभाव होता है मालिश का। यानी मालिश करने, मालिश शरीर को कई प्रकार के लाभ प्रदान करती है। मालिश के दौरान मस्तिष्क में एंडोर्फिन नामक रसायन क्या है, स्त्रावित होती है। तो याद रखिएगा, पूछ भी सकता है कि मालिश के समय मस्तिष्क से कौन सा रसायन स्त्रावित होता है, तो एंडोर्फिन, जो शरीर एवं मस्तिष्क को एक अत्यंत सुखकारी अनुभव प्रदान करता है। शरीर पे मालिश का प्रभाव त्वचा, रक्त प्रणाली, मांसपेशी, तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र, सभी भागों पर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, दोस्तों त्राटक होता है, तो
तो त्राटक जो है एकाग्रता के लिए होता है, जैसे कि मोमबत्ती जलाकर, दीपक जलाकर, किसी एक बिंदु लगाकर वहाँ पे एक तक बिना पलक झपकाए देखना होता है, जिससे एकाग्रता विकसित होती है, तो इसे त्राटक कहते हैं। ठीक है, यह सटकर्म का भाग है। सटकर्म में 6 क्रियाएं होती है, नेति, दोति, नौली, बस्ति, कपालभाति, त्राटक। क्वेश्चन नंबर 62 है, इनमें से क्या शारीरिक शिक्षा की सुविधाओं के स्तर की आवश्यकता का निर्धारण करता है? तो वह होता है कार्यक्रम की आवश्यकता। क्या निर्धारण करता है? कार्यक्रम की आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 63 है, शरीर के द्वारा शरीर के लिए की गई क्रिया शारीरिक शिक्षा कहलाती है, यह परिभाषा किसने दी है? तो इस परिभाषा को J.P. थॉमस ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्न में से किस खेल को में खेलते समय कोई टाइम आउट नहीं दिया जाता है? तो फुटबॉल ऐसा गेम है जिसमें कोई टाइम आउट नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, जर्मन खेल का नाम बताइए जिस पर आधुनिक बास्केटबॉल खेल आधारित है, तो वह है कॉर्फ बॉल। यानी कॉर्फ बॉल जो है आधुनिक बास्केटबॉल खेल उसी पर आधारित है, कॉर्फ बॉल पर। कॉर्फ बॉल सर्वप्रथम 1896 में अगस्त हरमन द्वारा लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 66 है, स्टेडियम जो इरविन एम्फीथिएटर के नाम से जाना जाता है, तो वह स्टेडियम है राष्ट्रीय स्टेडियम दिल्ली। जो इरविन एम्फीथिएटर के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय स्टेडियम की स्थापना 1933 में की गई, जिसका नया नाम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है। क्वेश्चन नंबर 67 है कि भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1984 को हुआ था। एंड क्वेश्चन नंबर 68 है, माइकल फरेरा का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों, माइकल फरेरा जो है एक बिलियर्ड्स प्लेयर हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है कि राष्ट्रीय महिला खेल उत्सव किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1975 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 70 है, रंगा स्वामी कप किस खेल के लिए प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों, हॉकी पुरुष के लिए रंगा स्वामी कप होता है। ठीक है, लेडी रतन टाटा कप हॉकी महिला के लिए है। एंड क्वेश्चन नंबर 71 है, क्यू किस खेल से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट, क्यू जो है वह बिलियर्ड्स खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 72 है दोस्तों, डोपिंग परीक्षण के लिए किसका नमूना लिया जाता है? तो दोस्तों, यहाँ पे यूरिन एंड ब्लड दोनों का नमूना लिया जाता है। पहले यूरिन का लिया जाता है, अगर उसमें सक्सेस नहीं होता है तो रक्त का लिया जाता है। तो बी और सी दोनों राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, कैडी शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो दोस्तों, कैडी शब्द जो है गोल्फ से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 74 है, किस भारतीय ने प्रथम ग्रैंड स्लैम की उपाधि जीती थी? तो वो है महेश भूपति, जो है प्रथम ग्रैंड स्लैम की उपाधि जीती थी। भूपति ने 1997 में रिंका हिराकी के साथ मिश्रित युगल फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था। क्वेश्चन नंबर 75 है, जब श्वास लिया जाता है तो वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 20% होती है, और श्वास छोड़ने पर निकलने वाले वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो आप सबको पता है 16%। 20% जाता है, 16% बाहर आता है, यानी ओनली 4% यूज होता है और सब बाहर आ जाता है। नाइट्रोजन जाता है 78%, पूरा का पूरा 78% भी बाहर आ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जाता है 0.03%, लेकिन वापस आता है 4.4%, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, मांसपेशियां मानव शरीर को प्रदान करती हैं। तो क्या प्रदान करती है? एक आकृति प्रदान करती है मांसपेशियां।
एंड क्वेश्चन नंबर 77 है, सोलियस मांसपेशी कहाँ स्थित है? तो सोलियस मांसपेशी पांव के नीचे भाग में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पांव के नीचे भाग में सोलियस मांसपेशी स्थित है। सभी स्तनधारियों में यह मांसपेशी नहीं पाई जाती है। यह सोलियस मांसपेशी घुटने के नीचे से लेकर तलवे तक पाई जाती है। यह पेशी सीधे खड़े होने में तथा पैरों के द्वारा होने वाले विविध कार्यों में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 78 है, अटैक लाइन किससे संबंधित है? तो अटैक लाइन जो है वो वॉलीबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 79 है, फिट और स्वस्थ रहने के लिए क्या आवश्यक है? तो दोस्तों, फिट और स्वस्थ रहने के लिए डेली रूटीन यानी कि दिनचर्या आपकी कैसी है वह आवश्यक है। यानी कि प्रतिदिन किस प्रकार इंसान सोता है, जागता है, व्यायाम करता है, सारी क्रियाएं करता है, कब क्या भोजन करता है, ये सब स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, फिट रहने के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 80 है, खेल कूद में चोट कैसे आती है? तो अपर्याप्त प्रशिक्षण, तकनीक और उपकरण के कारण भी, जानकारी की कमी के कारण भी, लापरवाही के कारण भी, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, शारीरिक शिक्षा की जरूरत है किसके लिए? शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, संविघात्मक विकास के लिए, उपरोक्त सभी के लिए शारीरिक विकास, शारीरिक शिक्षा जो है आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्न में से किस खिलाड़ी ने ओलंपिक खेल के फाइनल में चौथा स्थान प्राप्त किया था? तो किसने किया था दोस्तों? तो यहाँ पे किस खिलाड़ी ने ओलंपिक खेल के फाइनल में चौथा स्थान प्राप्त किया था? तो वो है आपके मिल्खा सिंह। ठीक है, तो मिल्खा सिंह राइट होगा। साठ रोम ओलंपिक में 400 मीटर दौड़ में फाइनल में चौथा स्थान प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 83 है, उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए और जिसने ओलंपिक खेलों में विभिन्न ट्रैक और क्षेत्रीय खेल फाइनल में के लिए क्वालिफाई किया था। तो ए मिल्खा सिंह, श्रीराम सिंह, पीटी उषा, तीनों की तीनों क्या है, क्वालिफाई किए थे। तो आंसर नंबर डी उपरोक्त सभी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, वह कौन सा विश्वविद्यालय है जिसने सबसे अधिक बार माका ट्रॉफी जीता है? तो वह विश्वविद्यालय है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। कौन है? गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। माका ट्रॉफी यानी कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जो है अभी तक सबसे बार ज़्यादा बार जीता है, 23 बार गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। 2023 में कौन जीता है इसको अभी देखना पड़ेगा, मैं आपको इसका भी वीडियो बना दूंगी। तो माका ट्रॉफी 1956-57 से दिया जा रहा है और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को दिया जाता है। सबसे प्रथम माका ट्रॉफी बॉम्बे यूनिवर्सिटी प्राप्त किया था और इसमें 15 लाख धनराशि दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, विश्व खेलों में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो विश्व की बात करें तो ओलंपिक अवार्ड जो है खेलों में सर्वोच्च पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 86 है, महिलाओं में अभी तक सबसे कम उम्र की कौन सी महिला टेनिस खिलाड़ी ग्रैंड स्लैम विजेता बनी है? तो वह है मार्टिना हिंगिस। कौन है? मार्टिना हिंगिस, जो सबसे कम उम्र की नंबर वन महिला खिलाड़ी हैं, जो थी, जो 1996 में ग्रैंड स्लैम विजेता बनी थी। क्वेश्चन नंबर 87 है, प्रत्येक नए वर्ष के प्रथम दिन कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट प्रारंभ होता है? तो दोस्तों, जैसे कि ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो है टेनिस खेल में, टेनिस के एक साल में चार बड़े टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं और एक वर्ष में चारों टूर्नामेंट के जीतने वाले खिलाड़ी को ग्रैंड स्लैम बोला जाता है। और ये चार ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। इसमें सबसे पुराना
ग्रैंड स्लैम है विंबलडन ओपन। जैसे कि सीक्वेंस बाई ए आयोजित किया जाता है प्रत्येक वर्ष, सबसे पहले जनवरी के मध्य माह में ऑस्ट्रेलियन ओपन या 1905 से आयोजित किया जा रहा है, फिर दूसरा स्थान पर फ्रेंच ओपन जो मई जून के महीने में आयोजित किया जाता है जो 1891 से आयोजित किया जा रहा है, एंड फिर तीसरा स्थान पर विंबलडन ओपन इंग्लैंड में जून जुलाई महीने में आयोजित किया जाता है, ये 1877 से आयोजित किया जा रहा है। सबसे पुराना टेनिस का सर्वश्रेष्ठ ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है विंबलडन ओपन, और चौथा स्थान पे होता है यूएस ओपन जो 1881 से स्थापित किया जा रहा है, आयोजित किया जा रहा है अगस्त सितंबर महीने में, यानी कि जनवरी के मध्य में ऑस्ट्रेलियन ओपन, मई जून में फ्रेंच ओपन, जून जुलाई में विंबलडन ओपन, अगस्त सितंबर में यूएस ओपन। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर यानी कि मिट्टी के कोर्ट पर, और विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या पूछा है कि प्रत्येक नए वर्ष के प्रथम दिन कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन। क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन। एंड क्वेश्चन नंबर 88 है, प्रथम भारतीय पुरुष जिसने इंग्लिश चैनल तैरकर पार किया था तो उसका क्या नाम था, तो वो था आपका मिहिर सेन। कौन था, मिहिर सेन, 1958 में। वही भी बात करें तो प्रथम भारतीय महिला जिसने इंग्लिश चैनल तैरकर पार किया था तो वो थी आरती साहा 1959 में। तो 1958 में मिहिर सेन ने तैरकर पार किया इंग्लिश चैनल को, 1959 में आरती साहा ने प्राप्त किया, पार किया। क्वेश्चन नंबर 89 है, IAAF का पूरा नाम है, यानी कि इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन, लेकिन अब इसका नाम हो गया है AFI, यानी कि एथलेटिक फेडरेशन, इंटरनेशनल एथलेटिक फेडरेशन, जिसका स्थापना 1912 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 90 है, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में डबल लीग प्रकार के कुल मैचों की संख्या निकालने का सूत्र क्या है। तो राउंड रॉबिन लीग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट जिसे बर्गर सिस्टम भी बोला जाता है, तो इसमें एक सिंगल लीग डबल लीग दो प्रकार का होता है। तो सिंगल लीग में मैचों की संख्या, कुल मैचों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है n(n-1)/2, जबकि डबल लीग में होता है बस अपॉन टू नहीं रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, n(n-1)। तो डबल लीग के लिए पूछा है तो राइट आंसर बी हो जाएगा, n(n-1), और सिंगल लीग पूछता है n(n-1)/2। क्वेश्चन नंबर 91 है, उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे सर्वप्रथम पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो है आपके ऑप्शन नंबर बी मिल्खा सिंह को सबसे पहले पद्मश्री का से नवाजा गया है। इनको फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। 1959 में भारत का चार सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार, चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार प्राप्त हुआ था इन्हें, और पीटी उषा को 1984 में, डीएस रंधावा को 2005 में, और बीएस चौहान को 2012 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 92 है, बच्चों के विकास की विभिन्न अवस्थाओं के दौरान विस्तृत क्षेत्र गतिविधियों से अनाश्रित कराना चाहिए, तो कौन कौन से में, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी 1 और 2, यानी कि बाल्यावस्था यौवनावस्था की व्यवस्था के दौरान विस्तृत क्षेत्र गतिविधियों को अनाश्रित कराना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 93 है, पेस दौड़ों का संबंध है, तो दोस्तों पेस दौड़ जो है गति को विकसित करने के लिए आयोजित किया जाता है। तो गति को विकसित करने के लिए दो विधियां होती है, एक्सीलरेशन रेस और पेस रेस, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गति। क्वेश्चन नंबर 94 है, एक प्रभावशाली निर्णय करने का लक्षण है, तो दोस्तों जो निर्णय कर रहा है, निर्णयकर्ता को अगर नियमों का ज्ञान रहेगा तो वह निष्पक्ष निर्णय कर पाएगा, तो नियमों का ज्ञान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 95, अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कोई अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है तो समानता किसके रूप में जाना जाता है। तो जैसे कि आपने लर्निंग यानी अधिगम की परिभाषा देखा होगा
कि अनुभव या प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, इसको गेट्स ने कहा है। तो यहाँ पे व्यवहार में परिवर्तन की बात कर रहा है, वो भी स्थायी परिवर्तन की, तो इसमें किसका बात कर रहा है, अधिगम की यानी सीखना। क्वेश्चन नंबर 96 है, साइको का क्या अर्थ है? तो जो हमारा मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, लैटिन शब्द भाषा के साइकी प्लस लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन यानी आत्मा का अध्ययन। तो यहाँ पे साइकी का अर्थ क्या होगा, आत्मा होगा। क्या होगा, आत्मा होगा। दोस्तों मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा का विज्ञान, फिर मन का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान, लास्ट में व्यवहार का विज्ञान कहा गया। वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 है कि फ्रेडरिक लुडविक जॉन ने जर्मनी में किस प्रकार जिम्नास्टिक की शुरुआत की थी? तो फ्रेडरिक लुडविक जॉन जो है जर्मनी में देशभक्ति जिम्नास्टिक की शुरुआत किया था, इन्हीं ने टर्नवेरियन आंदोलन भी चलाया था। क्वेश्चन नंबर 98 है कि एक वयस्क व्यक्ति में ट्रेकिया यानी कि जो श्वास नली होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? तो 10 सेंटीमीटर होती है। कितना होता है, 10 सेंटीमीटर होता है यानी कि 4 इंच। इसी के द्वारा जो श्वास होता है फेफड़ों तक पहुंचता है, इस नली के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 99 है, पुरुषों के डिस्कस का वजन कितना होता है? यानी कि जो तस्तरी फेंक होता है डिस्कस का, पुरुषों के लिए 2 किलोग्राम होता है। कितना, 2 किलोग्राम, महिलाओं के लिए 1 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 100 है, सामान्य भाषा में शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना यानी कि बहुमुखी व्यक्तित्व तो विकास, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, बैडमिंटन में कितने वर्ष बाद थॉमस कप और उबे कप टूर्नामेंट आयोजित होता है? तो प्रत्येक 3 वर्ष बाद होता है, और इसके पहले 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष में होता था, लेकिन अब प्रत्येक 3 वर्ष में होता है। थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन से रिलेटेड है और उबे कप महिला बैडमिंटन से रिलेटेड है। थॉमस कप 1948-49 से खेला जा रहा है और उबे कप 1956-57 से खेला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी सी और एच जल में घुलनशील है, और ए डी ई के आपका वसा में घुलनशील है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 103 है, स्कूल जाने से पहले बच्चे किसके द्वारा तेजी से सीखते हैं? तो नकल के द्वारा सबसे ज्यादा सीखते हैं स्कूल जाने से पहले। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टार्च का सबसे अच्छा स्रोत है यानी कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा स्रोत होता है जौ, और स्टार्च जो होता है गेहूं चावल मक्का ये सब चीजों में पाया जाता है, और जड़ वाले सब्जी में आलू और कसावा आदि में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 105 है, कि 110 मीटर की दौड़ में बाधा की ऊंचाई निम्न में से कम कितनी होती है? तो दोस्तों 110 मीटर दौड़ में बाधा की जो ऊंचाई होती है 1.067 मीटर होता है, जबकि 100 मीटर दौड़ में 0.84 मीटर होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 106 है, निम्न में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय खेल भारत में प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों यहाँ पे स्नूकर और बैडमिंटन होगा जो भारत में प्रारंभ किया गया था। स्नूकर, बैडमिंटन, चेस, लूडो, प्लेइंग कार्ड, कबड्डी, कैरम आदि अंतरराष्ट्रीय खेलों का प्रारंभ जो है भारत में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 107 है, डिक फॉसबरी जिनके नाम पर ऊंची कूद के खेल में फॉसबरी फ्लॉप तकनीक का नाम रखा गया है, किस देश के खिलाड़ी थे? तो वे अमेरिका के थे। क्वेश्चन नंबर 108 है, सीटीएस अल्टीएस फोर्टीएस से क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है फास्टर हायर स्ट्रांगर यानी और तेज और ऊंचा और बलशाली। क्वेश्चन नंबर 109 है, स्टीपल चेज में जल जंपों की संख्या कितनी होती है?
तो दोस्तों 3000 स्टीपलचेज में कुल 35 बाधाएं होती हैं, जिसमें 28 बाधाएं और 7 पानी बाधा वाटर जंप होता है। तो यहां पे राइट आंसर होगा 7। क्वेश्चन नंबर 110 है, मानव मनोविज्ञान किसके अध्ययन तक सीमित है? तो आचरण और मनोवृत्ति, ए और बी दोनों, बिहेवियर एंड मेंटलिटी। क्वेश्चन नंबर 111 है, यहाँ पे आपको मिलान करना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे 111 नंबर जो है क्वेश्चन मिलान करना है, सामुदायिक मनोरंजन क्या हो जाएगा, ग्रामीण और शहरी, तो ए का 4 हो जाएगा। व्यावसायिक मनोरंजन क्या हो जाएगा, तो मनोरंजन और पार्क, ये व्यावसायिक मनोरंजन हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा। संस्थागत मनोरंजन क्या हो जाएगा, स्कूल और कॉलेज हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा। थेरेपेटिक मनोरंजन किसमें होता है, थेरेपी, तो अस्पताल में होता है, तो डी का 1 हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रत्युत्तर जो उच्च स्तर पर सीखा जाता है वह होता है, तो दोस्तों उच्च स्तर पर जो सीखा जाता है उसके अनैच्छिक प्रत्युत्तर कहते हैं, ठीक है, यानी कि प्रत्युत्तर जो उच्च स्तर पर सीखा जाता है वह अनैच्छिक व प्राकृतिक होता है। इस सिद्धांत को दिया था पावलोव ने, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, जिसमें इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। इसकी विस्तृत जानकारी आप देखना चाहते हैं तो पावलोव का सिद्धांत देख लीजिए, मैंने अपलोड किया हुआ है। एंड क्वेश्चन नंबर 113 है, कि शारीरिक शिक्षा में समय सारणी को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो समय सारणी जब आप बनाएंगे तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, उपकरण कितने हैं, वातावरण कैसा है, ये सभी कारक जो है प्रभावित करते हैं। उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, कि खेल भावना जैसा नैतिक मूल्य खिलाड़ी किससे ग्रहण करता है? तो जिससे सीख रहा है, शिक्षक और प्रशिक्षक कोच से, उसी से सबसे ज्यादा कोई भी चीज ग्रहण करता है, ठीक है। 115 है क्वेश्चन नंबर, कि मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है, अस्थियों का अध्ययन आर्थोलॉजी कहलाता है, और जोड़ों का अध्ययन अस्थियों का अध्ययन आर्थियोलॉजी एंड जोड़ों का अध्ययन आर्थोलॉजी एंड तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 116 है, कौन से प्रकार का खेल काम और आनंद नहीं है? तो फुर्ती से चलना, स्वास्थ्य के लिए साइकिल चलाना, लंबी ड्राइविंग करना काम और आनंद है, पर धूप सेकना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 117 है, खेल मैदान में एथलीट के हृदय के धड़कन की दर जानने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं हृदय की धड़कन स्टेथोस्कोप से मापा जाता है, यहाँ पे स्पाइरोमीटर से फेफड़ों की क्षमता मापा जाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्तदाब मापा जाता है, और रेडियो टेलीमेट्री से क्या मापा जाता है, रेडियो सिग्नल के द्वारा सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। जैसे कि आप किसी और ऑप्शन में देखे होंगे इसका आंसर रेडियो टेलीमेट्री था, क्योंकि वहां पे स्टेथोस्कोप ऑप्शन था ही नहीं, तो मान लिया गया था, बट यहाँ पे राइट आंसर होगा स्टेथोस्कोप, यानी कि हृदय धड़कन को दर मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 118 है, टर्नवेरियन आंदोलन किसने शुरू किया था? तो दोस्तों फ्रेडरिक लुडविग जान ने टर्नवेरियन आंदोलन शुरू किया था, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज में शामिल है क्या शामिल है? बिना किनारे के सफेद पृष्ठभूमि और बीच में ओलंपिक प्रतीक चिन्ह के रूप में 5 छल्ले, नीला पीला काला हरा लाल। एंड दोस्तों ओलंपिक ध्वज को बनाया था बैरन पेरेडी कोबर्डिन ने 1913 में, मान्यता मिली थी 1914 में, और पहली बार ओलंपिक ध्वज को फहराया गया 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में, और शपथ भी सबसे पहले लिया गया 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में। दोनों चीजें याद रखिएगा। एंड
क्वेश्चन नंबर 120 है, आपको सूची 1 और 2 के साथ परस्पर जोड़े यानी कि मिलाना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पे आपको मिलाना है, क्वेश्चन नंबर 121 को मिलाना है। जैसे कि डेविस कप किससे संबंधित है, टेनिस से संबंधित है, तो ए का 1 ही हो जाएगा, ठीक है। एंड बीसी गुप्ता ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो बास्केटबॉल से है, तो बी का 3 हो जाएगा। सी के नायडू ट्रॉफी है क्रिकेट से, तो सी का 4 हो जाएगा। सी के नायडू क्रिकेट और नायडू ट्रॉफी आपका सीधे नायडू रहेगा, तो 17 से होगा। उबेर कप किससे संबंधित है, तो महिला बैडमिंटन से, डी का 2। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, अपने आप सीखने की सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है, तो ऑब्जर्वेशन यानी प्रेक्षण विधि, ठीक है, अवलोकन करना। क्वेश्चन नंबर 122 है, किसी बालक के किशोरावस्था के दौरान निम्नलिखित परिवर्तन आते हैं, वह परिवर्तन बताएं जिसे शारीरिक द्वितीयक लैंगिक विशेषता के रूप में चिन्हित किया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 123 है, व्यक्तियों के शरीर की किस्म या कार्य किस्म को किसने 3 श्रेणियों अर्थात एंडोमोर्फ, मेसोमोर्फ और एक्टोमोर्फ में वर्गीकृत किया है, तो ए किया है शेल्डन ने। शेल्डन ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है, एंडोमोर्फ, मेसोमोर्फ एंड एक्टोमोर्फ। क्रेसमन ने 4 भागों में बांटा है, पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक, डाइट, प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 124 है, निम्नलिखित में से कौन सी एरोबिक क्रिया नहीं है, जॉगिंग भी है, साइकिलिंग भी है, कैलिस्थेनिक्स भी है, परिधि प्रशिक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 125 है, चोट लगने पर रक्त स्त्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है, तो वह होता है थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। रक्त जमने में कौन सहायक होता है, थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स। तो दोस्तों ये था 125 क्वेश्चन सेट नंबर 5 का। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए और डेली बेसिस से प्रैक्टिस भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 6 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।